वेलकम टू खन्ना न्यूज लाइव। अज ओबीसी मोर्चा पंजाब दी मीटिंग गोल्डन ग्रेन क्लब खन्ना विखे सूबा प्रधान रजिंद्रा बिट्टा दी प्रधानगी हेठां होई। इस मीटिंग विच राष्ट्रीय जनरल सकत्तर भाजपा ओबीसी मोर्चा अते संसद मैंबर श्री संगम लाल जी गुप्ता अते पंजाब भाजपा दे सकत्तर अते इंचार्ज SBOC मोर्चा दे श्री शिवनाथ चौधरी जी, भाजपा कार्यकारिणी मैंबर मंच संचालन ओबीसी मोर्चा दे मीत प्रधान सुधीर मोनू ने कीता। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा दे कौमी जनरल सकत्तर संगम गुप्ता अज अपने पंजाब दौरे ते खन्ना पुजे। मीटिंग नू संबोधन करदिया श्री संगम गुप्ता ने कहा कि पंजाब विच औरतां लई 1000 रुपए मासिक देन अते मुफ्त बिजली, भ्रिष्टाचार मुक्त अते भय मुक्त पंजाब देन दा वादा करन वाली आम आदमी पार्टी दी सरकार झूठी अते फेल साबित हो रही है। हर मोर्चे श्री गुप्ता जी ने कहा कि पंजाब दे लोकां ने आपसी विरोधता अतों अखां बंद करके आम आदमी पार्टी दी बहुमत वाली सरकार बनाई है। उन्हां दावा कीता कि पंजाब विच जिन्हां लोकां दी सरकार बनी है ओह लोक इस झूठी पंजाब सरकार खिलाफ 6 महीने विच सड़कां ते उतरणगे, क्योंकि झूठ नाल बनियां सरकारां बहुती देर नहीं चलदियां। इस मौके जिला प्रधान सुधीर समूह संबोधन करदियां ओबीसी मोर्चा दे समूह अहुदेदारां अते वर्करां नूं जत्थेबंदी दी मजबूती लई जोर दिता। अज साडे आल इंडिया ओबीसी मोर्चा दे जनरल सैकटरी श्री संगम लाल गुप्ता जी, जो कि मैंबर पार्लीमेंट भी ने, वह विशेष तौर पर बैठक लैण पंजाब ओबीसी मोर्चा की लैण आए थे। पंजाब जी असी बैठक वह खन्ना विखे रखी गई थी। उन्होंने संगठनात्मक तौर पर पार्टी की जो गतिविधियां ने, पार्टी के जो अपने जिला अध्यक्ष महामंत्री जो काम करते हैं उन्होंने रूपरेखा सारी जानकारी उन्होंने ली है कि आने वाली जिहड़ी 2024 दे इलैक्शन ने उहदे संबंध में भी संगम लाल गुप्ता जी ने सारे कार्यकर्ता मार्गदर्शन किया है। तो सारे संगठन बारे इन्हों दस्या भी किवें अगे काम करना है, ओबीसी मोर्चा अगे किवें काम करेगा वो बारे भी इन्होंने सारा कुछ दस्या। कार्यकर्ता साडा भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह की बहुत ही पहला जी परिस्थितियां सी वो भारतीय जनता पार्टी वर्कर के अनुकूल नहीं सी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अड़िग रहा। उन्हें इस जे माड़े टाइम च भी पार्टी ने खड़ा रहा और सारे काम किए ने। अगे भी वह जिन्हें भी मोदी सरकार की नीतियां ने जो भी काम किए ने वह लोगों के घर घर तक पहुँचाऊगा। तो आने वाला टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी वाल वेख रहे हैं। जी हूँ सरकार है आप पार्टी झूठ बोल के जी सरकार बनाई है इन्होंने, इन्होंने तो वादे पूरे नहीं कर होने। ये सरकार हमने 2 महीने के बच्चे ही 8-9 हज़ार करोड़ का कर्जा लै चुकी है। इस नाल जी पहले ही पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्जे थले है, इस हिसाब से पंजाब 8 लाख करोड़ के कर्जे थले चले जाऊगा। तो मेरे ख्याल नाल 6 महीने के बच्चे ही लोगों का मोह भंग हो जाना, तो लोग सड़क उतरेंगे सरकार के खिलाफ। हम आज एक दिन के प्रवास पर पंजाब आए हुए थे और प्रदेश ओबीसी के संगठन और जिले के ओबीसी के संगठन के साथ हमने बैठक किया है। और बैठक में हमारे 8 साल के कार्यकाल में जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना और संगठन को और मजबूत करना, और आप जो यहां पर झूठ बोलकर सरकार बनाई है उसके चरित्र को जनता के बीच में उजागर करना, क्योंकि जितने वादे उसने किया है उतने वादे वो पूरा नहीं कर सकती है। आने वाले कल में कुछ ही दिनों में पंजाब की जनता रस्तों पे आके उनके नारेबाजी करेगी। और आज हमारे जो प्रदेश और जिले के संगठन के लोग यहाँ बैठे थे, क्योंकि हमारे 8 साल के कार्यकाल में जो हमने सेवा ही संगठन है, सेवा ही समर्पण है, जो हमने जनता के लिए सारी योजनाएं, केंद्र की हमारी योजनाएं उसको जनता तक पहुँचाना है और उनको बगैर भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, उसके जीवन में बदलाव कैसे आए, यही मोदी जी का विजन है, मोदी जी का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी की विचार है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में बदलाव आए। जैसे देखने को मिल रहा है पंजाब में जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आम जनता तक इतनी नहीं पहुंची है अभी तक, तो आपको नहीं लगता उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी रही है? नहीं, देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं, देखिए अब चुनाव में अभी 3 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही चुनाव हुआ है, चुनाव में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हमारे थोड़ा मायूस जरूर हुए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, ये निरंतर एक विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं।
निरंतर अपने चरैवेति ये कार्य करते रहते हैं और फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी दो दिन पहले ही यहाँ पर आए हुए थे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक किया और आज हम भी प्रवास पे आए हुए हैं तो यहाँ खन्ना में हमने सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और हमारी सरकार की जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक योजनाएं ले जाएंगे। पहले जैसे महंगाई हुई थी, गैस सिलेंडर के रेट बढ़े थे, पेट्रोल के दाम बढ़े थे, तो भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किए गए थे, तो आज जो है गैस सिलेंडर के दाम जो है 1000 के भी ऊपर हो चुके हैं, तो भाजपा किस नज़रिए से देखिए? देखिए, आपको ये भी देखना है कि इस देश में पहले चलने के लिए, कल मैं उत्तराखंड से 2.5 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँचे हुए हैं। बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, इतने सारे विकास हुए हैं, उसको भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। रही बात जब देश की प्रगति होती है, देश अपनी ऊंचाइयों पे जाता है और जब लोगों के आय बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगाई का भी असर होता ही होता है। पंजाब को लेकर भाजपा का अगला प्लान क्या है? देखिए, कोई भी झूठ बोलकर जनता को लालच देकर सरकार तो बना सकता है, मगर विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई भी दल नहीं है। आखिर में पंजाब की जनता, आखिर में भारतीय जनता पार्टी को ही वो विकल्प के तौर पर देख रही है और हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब की जनता रहेगी। खन्ना तो परमजीत सिंह तिमान की खास रिपोर्ट।